लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। इराकी नागरिक को कृत्रिम दिल लगाकर दी नई जिंदगी, नई दिल्ली, JNN। इराक के रहने वाले हनी जवाद मोहम्मद 51 का शरीर आतंकी वारदात में गोलियों से छलनी हो गया था। उन्हें कई ऑपरेशन से गुजरना पड़ा था। मानसिक तनाव से वे हार्ट फेलियर के मरीज हो गए और उनके दिल ने कार्य करना कम कर दिया। जिंदगी और मौत की जंग के बीच दिल्ली के डॉक्टरों ने उन्हें कृत्रिम दिल लगाकर नई जिंदगी दी। BLK सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के कार्डियक थोरेसिक सर्जरी विभाग के डॉक्टरों ने ऑपरेशन कर पीड़ित के दिल में LVAD लेफ्ट वेंट्रिकल असिस्टेंस डिवाइस प्रत्यारोपित किया। कार्डियक थोरेसिक सर्जरी विभाग के चेयरमैन डॉक्टर अजय कॉल ने कहा कि इस उपकरण को कृत्रिम दिल भी कहते हैं। यह दिल से ब्लड को पंप कर शरीर के दूसरे हिस्सों में भेजता है। अस्पताल के अनुसार पीड़ित को कई गोलियां लगी थीं। हालांकि वे बच गए मगर अपंग हो गए। उनके शरीर का निचला हिस्सा पैरालाइज हो गया और दिल भी ठीक से काम नहीं कर पा रहा था। डॉक्टरों ने दवा देकर दिल की कार्यक्षमता बढ़ाने की कोशिश की पर सफलता नहीं मिली। इसके बाद डॉक्टरों ने पीड़ित को LVAD उपकरण लगाने का सुझाव दिया। 12 विशेषज्ञों की टीम ने 6 घंटे की सर्जरी में पीड़ित को यह उपकरण प्रत्यारोपित किया। डॉक्टर अजय कॉल ने बताया कि यह उपकरण निरंतर काम रहता है। इसके इस्तेमाल से हार्ट फेलियर के मरीजों के जीवन की संभावना 10 से 12 साल बढ़ जाती है। हालांकि यह उपकरण बहुत महंगा है पर विदेश की तुलना में भारत में इसके प्रत्यारोपण में कम खर्च आता है।